हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय जियो इन्फॉर्मेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर एजी 511 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि में भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, या इसको जीआईएस एग्जाम में देता है, कृषि में जीआईएस के उपयोग की व्याख्या कीजिए। तो जीआईएस का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी को हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या बोलते हैं हिंदी में? भौगोलिक सूचना प्रणाली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहीं कहीं पर एग्जाम में आपको देखा कि कृषि में जीआईएस के उपयोग की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग याद रखिएगा जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो चलिए देखते हैं कृषि में भौगोलिक सूचना प्रणाली की क्या उपयोग है, उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो कृषि में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग बेहतर कृषि प्रबंधन और उन्नत खेती प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। कृषि में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग बेहतर कृषि प्रबंधन और उन्नत खेती प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। यह एक तकनीकी प्रणाली है जो भूमि से संबंधित जानकारी को संग्रहित, संगठित और विश्लेषित करने की क्षमता रखती है। ठीक है, यह जो जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह एक तकनीकी प्रणाली है जो भूमि से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसको संग्रहित करती है, उसको संगठित करती है और विश्लेषित करने की क्षमता भी रखती है, और उसे स्थानीय तथा समय के साथ संबंधित रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम भी होती है। ठीक है, उसको स्थानीय तथा समय के साथ संबंधित रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम भी होती है। कौन? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। यह कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है अभी मैं आप लोग बताऊंगा। इससे पहले मैंने ऊपर आप लोग क्या बताया उसको एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, मैं किसी भी चीज को बार बार इसलिए बताता हूँ, मेरा बताने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोगों को क्लास में याद रहे। ठीक है, आप लोग को यदि मैं जितना बता रहा हूँ उतना यदि आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो आप लोग को जो भी है क्लास में याद हो जाएगा। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया कि यह एक क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली का, सॉरी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, इसका उपयोग बेहतर कृषि प्रबंधन और उन्नत खेती प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। यह एक तकनीकी प्रणाली है जो भूमि से संबंधित जो भी जानकारी है उसको संग्रहित करती है, फिर उसको संगठित करती है और विश्लेषित करने की क्षमता भी रखती है, और उससे स्थानीय समय में, मतलब तुरंत के तुरंत यदि चाहें तो संबंधित रूप से प्रदर्शित करने की भी क्षमता रखती है। कौन? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोग याद रखिएगा, जी आई एस का पूरा नाम है। एक नंबर में हो सकता है कि दे जी आई एस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है। तो पहला है भूमि सुधार योजना में। ठीक है, इसका उपयोग भूमि सुधार में किया जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि भूमि में हमारे किस पोषक तत्व की कमी है, किस उर्वरक को डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, वो सब जानकारी प्राप्त हो जाता है। उससे क्या होगा, उससे किसान जो है अपना सुविधा कर लेता है भूमि के सुधार में। ठीक है, तो जी आई एस का उपयोग भूमि सुधार योजनाओं के लिए किया जाता है जिससे खेती के सुरक्षित और उपयुक्त भूमि का चयन किया जा सकता है। ठीक है, जीआईएस का उपयोग भूमि सुधार योजना के लिए किया जा सकता है जिससे खेती के सुरक्षित और उपयुक्त भूमि का चयन भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अनुकूलित बीज बोने जाने वाले क्षेत्रों का चयन। अनुकूलित बीज बोए जाने वाले क्षेत्रों का चयन करने में भी जीआईएस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जीआईएस के माध्यम से विभिन्न पैरामीटर्स का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि जलवायु, जल स्रोत और मृदा स्वास्थ्य, जिससे अनुकूलित बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो जी आई एस जो होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, उसके माध्यम से क्या विभिन्न पैरामीटर का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें जलवायु का पता लगा लिया जाता है, जल स्रोत क्या उसका पता लगा लिया जाता है, मृदा स्वास्थ्य के बारे में पता लगा लिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमें उपयुक्त बीजों का चयन करने में आसानी मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है जल संवर्धन। क्या पॉइंट है? जल संवर्धन। तो जी आई एस का उपयोग जल स्रोतों के सही तथा सुरक्षित प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। इससे सिंचाई प्रणालियों का सही तरीके से निर्माण भी किया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो जी आई एस होता है, इसका उपयोग बेहतर कृषि प्रबंधन और उन्नत खेती प्रक्रिया के लिए किया जाता है,
यह एक तकनीकी प्रणाली है जो भूमि से संबंधित जानकारी को संग्रहित, संगठित और विश्लेषित करने की क्षमता रखती है और उसे स्थानीय तथा समय के साथ संबंधित रूप से प्रदर्शित करने में भी सक्षम होती है। मैंने बताया कि इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे भूमि सुधार में, तो GIS का उपयोग से भूमि सुधार योजनाओं सॉरी GIS का उपयोग भूमि सुधार के लिए किया जाता है, जिससे किसानों को सुरक्षित तरीके से खेती करने में आसानी होती है और उपयुक्त भूमि का चयन कर सकता है किसान। ठीक है, मैंने फिर दूसरा पॉइंट बताया कि इससे अनुकूलित बीज बोए जाने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो GIS के माध्यम से विभिन्न पैरामीटर्स का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें जलवायु का पता लगा लिया जाता है, जल स्रोत का पता लगा लिया जाता है, मृदा स्वास्थ्य का पता लगा लिया जाता है, जिससे अनुकूलित बीजों का चयन किया जाता है। फिर मैंने बताया कि जल संवर्धन, तो GIS के उपयोग करके हम लोग जल स्रोतों का सही से सुरक्षित प्रबंधन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे सिंचाई प्रणालियों का सही तरीके से निर्माण हो सकेगा या सही तरीके से हम लोग सिंचाई कर सकेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है फसल उत्पादन का अनुमान, इससे हम लोग फसल उत्पादन का कितना उपज होगा उसका अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो GIS का उपयोग किसानों को विशेष फसलों के उत्पादन के लिए सही समय और सही स्थान का निर्धारण करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो GIS का उपयोग किसानों को विशेष फसलों के उत्पादन के लिए सही समय और स्थान का निर्धारण करने में कर सकता है। अगला, रोग और कीट प्रबंधन, रोग और कीट प्रबंधन, तो गेहूँ चावल जैसी फसलों के लिए कीटनाशकों और रोगनाशकों के सही और सुरक्षित उपयोग के लिए GIS का उपयोग किया जाता है। GIS का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग गेहूँ चावल जैसी फसलों के लिए कीटनाशकों और रोगनाशकों के सही और सुरक्षित उपयोग के लिए किया जाता है। अगला है बाजार अध्ययन, बाजार अध्ययन, उत्पादों को बाजारों के विश्लेषक से उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों को सही समय पर सही बाजार में पहुंचाने में मदद हो सकती है। इससे क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से इससे क्या किया जाता है, बाजारों को एनालाइज किया जाता है, बाजारों का अध्ययन किया जाता है कि किस बाजार में किस अनाज की कमी है, किस अनाज की अधिकता है, जहाँ पर अधिक कमी रहेगी तो उसकी जानकारी यदि किसानों को हो जाएगी, किसान अपने अनाज को वहाँ पर लेकर जाएगा तो उसे अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये बोल रहा है कि यदि बाजार का अध्ययन कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे ये जो उपज है वो आसानी से बिक जाएंगे तो और उससे हमें अधिक लाभ भी होगा। अगला है प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, तो GIS का उपयोग आपदा प्रबंधन में भी किया जा सकता है, GIS का उपयोग आपदा प्रबंधन में भी किया जा सकता है। सूखा, बाढ़, तूफान आदि के प्रबंधन के लिए GIS का उपयोग किया जाता है। तो यह था पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन के सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग के सिद्धांत क्या है, उसकी व्याख्या करना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को इसके पीछे मतलब फोर्थ सेमेस्टर में मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया था आप लोग बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर मैंने बताया था रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें भूमि के संपर्क के बिना भूमि के आंतरिक संरचना के बारे में, भूमि के आंतरिक जानकारी को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। तो वही होता है GIS, मतलब बिना भूमि के संपर्क में, संपर्क के दूर से ही हम लोग क्या करेंगे, भूमि की आंतरिक जो भी संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो वही कहलाता है GIS। चलिए देखते हैं इसका सिद्धांत। तो रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है, एक तकनीक है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थानों से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने, उसे विश्लेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग जैसा कि मैंने बताया कि एक तकनीक है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थान से, मतलब दूर से स्थानों से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त और उसे विश्लेषित करने के लिए किया जाता है। देखिए, रिमोट सेंसिंग, रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर, रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर से। ठीक है, और सेंसिंग का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, मतलब दूर से किसी चीज का जब अध्ययन करते हैं हम लोग तो उसको रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। जब दूर से किसी चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब याद रखिएगा कि जब जहाँ भी रिमोट सेंसिंग आ जाए वहाँ दूर से अध्ययन करने के बारे में लिखा होगा। तो रिमोट सेंसिंग क्या है, एक तकनीक है जिसका उपयोग दूरस्थ स्थानों से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने और इसे विश्लेषित करने के लिए किया जाता है। यह सूचना बिना सीधे संपर्क के दूरस्थ स्रोतों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह सूचना जो होती है बिना सीधे संपर्क के दूरस्थ स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जैसे उपग्रह के द्वारा, मतलब सैटेलाइट के द्वारा, विमान के द्वारा, अन्य दूरस्थ उपकरणों के द्वारा क्या किया जाता है, सूचना प्राप्त की जाती है, तो उसको बोला जाता है रिमोट सेंसिंग। तो सुदूर संवेदन के सिद्धांत कुछ मुख्य तत्वों पर आधारित होते हैं, जैसे सेंसिंग उपकरण। ठीक है, इसको सिद्धांत ही समझिएगा आप लोग, सेंसिंग उपकरण। तो सुदूर संवेदन के लिए उपयोग होने वाले सेंसिंग उपकरण जैसे सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट या ग्राउंड बेस्ड सेंसर विभिन्न तरीकों से
विभिन्न विधियों से सूचना को दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा है इमेजिन और नॉन इमेजिन तकनीक। सुदूर संवेदन विभिन्न प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए इमेजिंग और नॉन इमेजिंग तकनीक का उपयोग कर सकता है। सुदूर संवेदन जो होता है, रिमोट सेंसिंग जो होता है, वह विभिन्न प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए इमेजिंग और नॉन इमेजिंग तकनीकों का उपयोग कर सकता है। इमेजिंग तकनीक से विभिन्न विविध रंगों में छवियों को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नॉन इमेजिंग तकनीक से अन्य तरह की सूचनाएं जैसे कि तापमान, उम्मीदवार, खाद्य अनुसार प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है स्पेक्ट्रल और स्पेक्ट्रियल रिजोल्यूशन। तो सुदूर संवेदन के लिए सेंसिंग उपकरण विभिन्न तरह की स्पेक्ट्रल का मतलब होता है विभिन्न रंगों में छवि लेने की क्षमता, ठीक है। तो सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए सेंसिंग उपकरण जो होते हैं वो विभिन्न तरह की स्पेक्ट्रल और स्पेटियल रिजोल्यूशन के साथ आते हैं। इससे अलग अलग प्रकार की सूचना को ग्रहण किया जा सकता है। इससे क्या कहता है, अलग अलग प्रकार की सूचना को ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि भूमि के प्रकार, पौधों की स्वास्थ्य और जल स्तर आदि के बारे में, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, इससे अलग अलग सूचना को ग्रहण किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि भूमि का प्रकार कैसा है, पौधे के स्वास्थ्य के बारे में, जल के स्तर के बारे में आदि के बारे में इससे पता लगाया जाता है। अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन और विश्लेषण, ठीक है। तो एक बार जब सूचना प्राप्त होती है तो उसे विश्लेषित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसे डेटा इंटरप्रिटेशन और विभिन्न विश्लेषण के माध्यम से अलग अलग प्रकार की सूचना से लाभान्वित होता है, जो कृषि, वन्यजीव विविधता और आपदा के प्रबंधन के क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो यही था इसका सिद्धांत, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में आप लोग जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% मैं बोल रहा हूँ रिमोट सेंसिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है जीपीएस का कृषि में उपयोग बताइए, जीपीएस का कृषि में उपयोग बताना है। तो आप लोग जीपीएस का पूरा नाम जानते रहिए, जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप लोग कमेंट में बताइए कि जीआईएस का पूरा नाम क्या होता है, बिना वीडियो पीछे किए बताइए जीआईएस का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का कृषि में उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है और यह किसानों को उनकी खेती को सुधारने और अनुकूलित कृषि प्रबंधन करने मदद कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इससे नाम से ही पता चल जा रहा है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, नाम से ही कुछ पता चला है आप लोगों को, पता चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कहाँ कहाँ पर कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। तो भूमि सुधार योजना में, लैंड इम्प्रूवमेंट प्लानिंग में, ठीक है, भूमि सुधार योजना में इसका उपयोग किया जाता है। तो जीपीएस का उपयोग कृषि क्षेत्रों में भूमि सुधार योजनाओं के लिए किया जा सकता है। गेहूँ, दाल और अन्य फसलों की उचित खेती के लिए भूमि की विस्तार से जानकारी प्रदान करने में जीपीएस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है बीज बोने जाने वाले क्षेत्रों का स्थानांतरण, ठीक है, बीज बोने जाने वाले क्षेत्रों का स्थानांतरण। तो जीपीएस का उपयोग सही समय और स्थान पर बीज बोए जाने वाले क्षेत्रों के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। जीपीएस का उपयोग जो है वह सही समय और स्थान पर बीज बोए जाने वाले क्षेत्रों के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इससे बीजों को सही रूप से और उचित मात्रा में बोया जा सकता है, जो उत्पादकता में सुधार भी कर सकता है। अगला है सिंचाई प्रबंधन। जीपीएस का उपयोग होता है सिंचाई प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जिससे खेतों में पानी का सही और आवश्यक मात्रा में प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है। सिंचाई प्रबंधन का मतलब क्या होता है, सिंचाई प्रबंधन तो समझिएगा, जीपीएस का जो उपयोग होता है वह सिंचाई प्रबंधन के लिए किया जा सकता है, जिससे खेतों में पानी का सही और आवश्यक मात्रा में प्रबंधन किया जा सकता है। अगला है कटाई और बुआई का सही समय। तो जीपीएस जो होता है, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका उपयोग फसलों की कटाई और बुआई के सही समय के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, जिससे उत्पादकता में सुधार हो सकती है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब हमारी जो भूमि है, हमारी जो कृषि है, उसका क्या पोजिशन है, ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है कौन, जीपीएस एक हम लोगों के बाइक में लगती है, ठीक है, बाइक में लगती है, फोन में भी जीपीएस आ गया है अब। इससे क्या होता है, इससे यह पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है।
जीपीएस के माध्यम से। उसी प्रकार हमारे फील्ड में होता है, हमारे खेतों में होता है, जीपीएस के माध्यम से हम अपने खेतों के पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बताया मैंने कि जीपीएस का उपयोग करके कटाई और बुआई के सही समय को निर्धारित कर सकते हैं हम लोग, जिससे उत्पादकता में सुधार भी हो सकती है। अगला है खेती की सुरक्षा और मॉनिटरिंग। जीपीएस आपकी अपने खेतों की सुरक्षा के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है, जैसे कि आपके कृषि उपकरणों की स्थिति और गतिविधियाँ क्या है। अगला है बुआई के बाद की मॉनिटरिंग। तो जीपीएस जो होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का उपयोग बुआई के बाद की मॉनिटरिंग के लिए भी किया जा सकता है, जिससे फसलों की उचित देखभाल की जा सकती है, जिससे क्या किया जा सकता है, फसलों का उचित देखभाल किया जा सकता है। तो यह था आप लोगों का दूसरा तीसरा क्वेश्चन, जीपीएस का कृषि में उपयोग। तो जीपीएस का कृषि में उपयोग मैंने बता दिया, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं दो बार तीन बार इसलिए अब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अभी काफी लंबा हो जाएगा, अभी दो क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को यदि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे उम्मीद तो ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग समझदार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसके बारे में पूछा है। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को पांच बताया ना, इसमें से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को तीन क्वेश्चन जो है 100% थोड़ा थोड़ा जरूर पूछेगा, थोड़ा तो थोड़ा तो जरूर पूछेगा, तीन क्वेश्चन 100%। कितना परसेंट? 100%। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी जो है, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी जो होता है, उसकी क्या भूमिका है कृषि में। तो कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, तो इसका महत्वाकांक्षी रूप से उपयोग हो रहा है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भूमि से संबंधित जानकारी को संग्रहित, संगठित और विश्लेषित करने में मदद करने के लिए होती है। यह तकनीक क्षेत्रों में कई कार्यों में सहायक और किसानों को अपनी खेती को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती है। यहाँ कुछ मुख्य भूमिकाएं हैं जो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी कृषि में बढ़ती महत्वपूर्णता को दिखा रही है, तो चलिए देखते हैं। पहला है जल संवर्धन। क्या है? जल संवर्धन। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी से किसान अपने खेतों की स्थिति को मॉनिटर कर सकता है। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी मतलब जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी जो है, उसके माध्यम से किसान अपने खेतों की स्थिति को मॉनिटर कर सकता है और सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई कर सकता है। यह जल संवर्धन में मदद करता है और सिंचाई के संसाधनों के उपयोग कोई अधिशेष नहीं होता है। ठीक है, अगला है खेती की समर्थन। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी जो होता है, सॉरी फोन आ गया था, तो अगला पॉइंट है खेती की समर्थन। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी से किसान अपनी खेती की स्थितियों को विश्लेषित रूप से समझ सकता है, जिससे भूमि की उर्वरता नीति और उपयुक्त खाद्य अनुसार जो उत्पादकता को बढ़ा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए, चलिए देखने वाला पॉइंट फिर से देखेंगे। खेती की समर्थन, तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी से क्या कर सकता है, किसान अपनी खेती की स्थिति को विश्लेषित रूप से समझ सकता है, जान सकता है किस पोषक तत्व की कमी है, कितना खाद और उर्वरक कर सकता है, उससे क्या कर सकता है, उससे वह भूमि की उर्वरता नीति और उपयुक्त खाद्य के अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, अगला है पर्यावरणीय सुरक्षा। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान अपनी खेती को पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से देख सकता है। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान अपनी खेती को पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से देख सकता है, जैसे कि भूमि के उपयोग की स्थिति और वन्य जंतु विविधता आदि के, ठीक है, रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा को कर सकता है। अगला है बुआई और कटाई का सही समय। ठीक है, तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष फसलों के लिए बुआई और कटाई के सही समय के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, जिससे उत्पादकता में सुधार हो सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग विशेष फसलों के लिए बुआई और कटाई के सही समय के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, जिससे उत्पादकता में सुधार हो सकता है। अगला है साक्षरता और प्रशिक्षण। तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से किसानों को नई तकनीकों को सीखने और उन्हें सही रूप से उपयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी साक्षरता और प्रशिक्षण में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका। नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा हमको लग रहा है कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो इसलिए इसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कृषि में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी हुआ है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हो रहा है। ठीक है, कृषि में इसका उपयोग भूमि से संबंधित जानकारी को संग्रहित, संगठित और विश्लेषित करने में किया जाता है। यह तकनीकी कृषि क्षेत्र में कई कार्यों में सहायक है और किसानों को अपनी खेती को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती है। प्रबंधित मतलब कि
कितना खाद देना है, कितना उर्वरक देना है, कितना पानी देना है, किस बीज का प्रयोग करना है, कितने बीज का प्रयोग करना है, ठीक है, इन सभी के लिए मदद करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला मैंने बताया जल संवर्धन, जो कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया था कि भूमि स्थानीय प्रौद्योगिकी से किसान अपने खेतों की स्थिति को मॉनिटर कर सकता है, निगरानी रख सकता है और सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई कर सकता है। यह जल संवर्धन में मदद करता है और सिंचाई के संसाधनों का उपयोग कोई अधिशेष नहीं होता है। फिर मैंने बताया दूसरा पॉइंट की खेती का समर्थन, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से किसान जो है अपनी खेती की स्थिति को विश्लेषित रूप से समझ सकता है, जैसे कि भूमि की उर्वरता नीति और उपयुक्त खाद्यानुसार जो उत्पादकता को बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पर्यावरणीय सुरक्षा, तो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान अपनी खेती को पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से देख सकता है, जैसे कि भूमि के उपयोग की स्थिति और वन्य जीव विविधता आदि के बारे में, ठीक है। अगला है बुवाई और कटाई का सही समय, तो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष फसलों के लिए बुवाई और कटाई के सही समय के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, जिससे उत्पादकता में सुधार हो सकता है। अगला है साक्षरता और प्रशिक्षण, तो भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से किसानों को नई तकनीकों का सीखने और उन्हें सही रूप से उपयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी साक्षरता और प्रशिक्षण में सुधार हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है फसल उपज निगरानी की व्याख्या कीजिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के बारे में पूछ रहा है। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फसल उपज निगरानी की व्याख्या कीजिए, क्रॉप यील्ड मॉनिटरिंग की व्याख्या करना है, ठीक है। तो फसल उपज निगरानी, जिसे अंग्रेजी में क्रॉप मॉनिटरिंग भी कहा जाता है, एक तकनीकी प्रक्रिया है। क्या है? एक तकनीकी प्रक्रिया, एक टेक्नोलॉजी है, जो खेती में उपज की स्थिति, स्वास्थ्य और प्रवृद्धि का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना और फसलों के प्रबंधन को सुधारना है। फसल उपज निगरानी का उपयोग तकनीकी उपकरणों और कृषि सूचना प्रौद्योगिकियों का सही रूप से इस्तेमाल करके किया जाता है। तो देखिए कैसे होती है फसल उपज की निगरानी, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला सैटेलाइट इमेजनरी, ठीक है, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से, तो सैटेलाइट से ली जाने वाली विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंड्स की छवियों का उपयोग किया जाता है, ताकि विभिन्न फसलों की स्थिति का विश्लेषण किया जा सके। दूसरा एयरक्राफ्ट डेटा, तो छोटे ऊंचाई से वायुयानों से लिया गया डेटा भी उपज निगरानी के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद अगला है ग्राउंड सेंसर, तो खेतों में स्थापित सेंसर जैसे कि जल स्तर मीटर, मौसम स्टेशन और अन्य उपकरणों से भी डेटा को एकत्र किया जाता है। अगला है जल संवर्धन के लिए स्मार्ट आपूर्ति प्रबंधन, तो फसल उपज निगरानी में जल स्तर सेंसर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि समझा जा सके कि किस खेत में कितना पानी चाहिए और कैसे उसे सही रूप से और विवेकतापूर्वक प्रदान किया जा सके। अगला है प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन, तो फसल उपज निगरानी से यह भी मापा जा सकता है कि कृषि पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रतिस्थापन की जरूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग खेत की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, कुछ फायदे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है उत्पादकता में सुधार। फसल उपज निगरानी से किसान फसलों की स्थिति को सही से विश्लेषण कर सकता है और उन्हें सही समय पर उपयुक्त प्रबंधन निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ठीक है। अगला है संसाधनों का सही रूप से उपयोग, जल खाद्य अनुसार और अन्य संसाधनों का सही और आवश्यक मात्रा में प्रबंधन करने में मदद मिलता है, इससे मॉनिटरिंग से, ठीक है। अगला है पर्यावरणीय सुरक्षा, तो फसल उपज निगरानी से किसान पर्यावरणीय प्रभावों को मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, और उपयुक्त कदम उठा सकता है ताकि प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। अगला है बाजार के लिए बेहतर उत्पादन, तो सही समय और सही मात्रा में उपज की निगरानी से किसान अपने उत्पादों को बाजार में पेश करने के लिए बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यही था पांच क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया। उम्मीद करते हैं पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि कहीं से भी आप लोग कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके लोग इसका बारे में बता सकते हैं। और यदि आप लोग इसका PDF चाहिए तो इसके लिए भी उसी नंबर पर मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।